हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज है थर्सडे का व्लॉग, छोटा सा व्लॉग है, ज़रूर आप लोग इन्जॉय करें। बहुत अच्छी आपको रेसिपी इंशाल्लाह इसमें मिलेगी। और कुछ शॉपिंग की थी हमने मुजम्मिल के लिए, वो आपको दिखाऊंगी। और बहुत ही सिंपल और अच्छी सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और इस तरह की छोटी छोटी रेसिपीज़ जब हम वीकेंड है आज, तो वीकेंड पे बहुत अच्छी लगती हैं। और घर में बैठे बैठे बहुत अच्छे, बहुत कम तेल में, बहुत अच्छे तेल में, ऑलिव ऑयल में आप इस तरह की रेसिपीज़ ट्राई कर सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। इसके अलावा देखिए, मैंने घर में एक इस तरह का स्टैंड सा था जो कि मैं केक के लाई थी, बहुत देखिए मिट्टी में हो रहा है, ये स्टोव में से निकला है, तो मैंने इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया। और उसके बाद मैंने फिर देखें इसके अंदर सब चीज़ें ऐड कर दूंगी, तो टेबल पर रख दूंगी। तो कभी कभी पुरानी चीज़ों को अगर अच्छी तरह वॉश कर लिया जाए तो बहुत अच्छी उससे एक नई लुक क्रिएट कर सकते हैं। जो कि मैंने प्लांट्स रख दिए इसके अंदर, बहुत अच्छे लग रहे थे, तो आप लोग भी इस तरह ट्राई कर सकते हैं। देखें कितनी प्यारी बिल्कुल बास्केट लग रही है। कभी पुरानी चीज़ों से भी अच्छी सी एक लुक आ जाती है। तो बस देखें, ये टिक्के हैं बहुत ही मज़े के, और ये मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बस देखें, बहुत सिंपल सी है। बस आप चिकन ले लें और उसके अंदर फिर आप लाल मिर्ची ऐड करें, कुछ बेसिक बिल्कुल मसाले ऐड करने हैं आपने, जिससे मैंने पिसी हुई लाल मिर्ची ऐड की हैं, इसके अलावा धनिया ऐड किया है मैंने इसके अंदर, और इसके अलावा थोड़ा सा गर्म मसाला ऐड किया है, 1 टीस्पून के हिसाब से ऐड कर रही हूँ, और हल्दी ऐड की है, नमक ऐड किया है, जो हम मसाले किसी भी सालन में यूज़ करते हैं बेसिक जो होते हैं वो सब देखें मैं ऐड कर रही हूँ। सोया सॉस ज़रूर ऐड करना है आपने, अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर बहुत सॉफ्ट से रहे। और ये देखिए, मैंने इसके अंदर थोड़ा सा तेल ऐड किया है। ऑलिव ऑयल प्लीज़ इस्तेमाल करना शुरू करें अगर आप लोग चाहते हैं ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल आपका नॉर्मल रहे, तो सब तेल जो है घर से ख़त्म कर दें, ऑलिव ऑयल का स्टार्ट शुरू कर दें। इसके बाद देखिए, मैंने इसके अंदर थोड़ा सा बिल्कुल टिक्का पाउडर थोड़ा सा ऐड किया है, ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड ना करना चाहें फिर भी बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो बस देखें, इसके बाद मैंने दही इसके अंदर ऐड कर दी है, और थोड़ा सा बिल्कुल लहसुन अदरक का मैंने थोड़ा सा पेस्ट भी ऐड किया था, तो वो ऐड करें, अच्छी तरह मिक्स कर लें। और 1 टेबल स्पून इसके अंदर आपने बेसन थोड़ा सा भून के ऐड करना है। ये आप जब ऐड करेंगे तो जब आप किसी को खिलाएंगे वो आपसे पूछेगा तुमने क्या इसके अंदर ऐड किया है, जो इतने ज़्यादा सॉफ्ट, आपको बिल्कुल जिस तरह क्रीमी टिक्के होते हैं, बिल्कुल क्रीम हमने ऐड भी नहीं की और बहुत ही A1 बनेंगे। ज़रूर आप 1 टेबल स्पून जस्ट ऐड करें, और ग्रीन चटनी अगर चाहें थोड़ी सी तो वो ऐड कर सकते हैं। मैं कभी ऐड करती हूँ कभी नहीं ऐड करती, अभी रखी थी तो मैंने थोड़ी सी ऐड कर ली वो, और इससे ज़रा अलग सा टेस्ट आ जाएगा, बस इसलिए ऐड की है। बहुत ही मज़े के ये टिक्के रेडी हुए थे, इसलिए मैंने आपसे रेसिपी शेयर की है। और फिर कोयला लगा लें आप, थोड़ा सा गर्म करें कोयला, उसको थोड़ा सा तेल ऐड करें, इसको कवर कर दें और कुछ मिनट 20-25 मिनट आप इसको छोड़ दें, या 10 मिनट जितना भी आप चाहें। इसको मैंने कवर किया हुआ है। अब ये स्टिक को आप पानी में ज़रूर आप इसको ऐड करें, ताकि फिर आराम से वो, फिर जब आप इसके अंदर बोटियाँ लगाते हैं चिकन की तो वो आराम से फिर स्टिक हो जाती हैं इसके अंदर। ये देखिए, पानी में इसको मैंने ऐड कर दिया है, जितनी भी चाहिए आपको। और इसके बाद देखें, ये धुआं ख़त्म हो चुका है तकरीबन, बहुत ही बारबेक्यू की खुशबू इसके अंदर आ जाती है, जिस तरह आपने बिल्कुल लाइव आप टिक्के गरम गरम खा रहे हैं इस तरह की खुशबू आएगी आपको। तो ज़रूर आप ये रेसिपी ट्राई करें। बेसन ज़रूर ऐड करना है, भून के ऐड करिएगा, कच्चा ऐड नहीं करना, थोड़ा सा भून लें बस फ्राई पैन में, और फिर 1 टेबल स्पून ऐड करें। और तकरीबन ये 1 kg से थोड़ा सा ज़्यादा था गोश्त, 1.5 किलो था थोड़ा सा ये। और देखिए, सारी मैंने स्टिक रेडी कर ली हैं, और इसके बाद मैं इसके अंदर फिर थोड़ी देर मैंने इसको रखा था, और फिर बस सिंपल आप कोई भी पैन ले लें, उसके अंदर हल्का सा बिल्कुल तेल ऐड करें, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें, बाकी तेल बिल्कुल इस्तेमाल करना छोड़ दें अगर आप चाहते हैं कि सेहतमंद आप रहें। तो सब कौन कौन से तेल आजकल चल रहे हैं, सारी बीमारियाँ इससे आ रही हैं, तो बेहतर है ऑलिव ऑयल यूज़ करें, थोड़ा सा यूज़ करें लेकिन अच्छा तेल यूज़ करें। तो बस देखें, ये मैं अब इसके अंदर ऐड कर लूँगी, इसकी साइड चेंज कर लें, कवर करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बहुत इसके अंदर बेसन ऐड है और सोया सॉस ऐड है, तो बहुत ही अच्छी तरह ये गल जाते हैं। मीडियम आंच पे पहले शुरू में लाइट करें, थोड़ा सा उसकी जब साइड चेंज करेंगे तो थोड़ी सी आप आँच तेज़ कर दें, लेकिन बहुत ज़्यादा फुल नहीं करनी आपने, और हल्का सा चाहें तो उस पर हल्का सा तेल बहुत लाइट सा दोबारा लगा सकते हैं। और जो हमने कोयले किया उसको धुआं लगाया है, उसकी वजह से बहुत ही, एक तो खुशबू बहुत अच्छी आएगी पूरे किचन में, और खाने में भी बहुत आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो ज़रूर रेसिपी ट्राई करें। और ये जो बोटियाँ हैं चिकन की, बहुत छोटी छोटी नहीं रखनी आपने, देखें अच्छी जिस तरह बिल्कुल मार्केट में मिलते हैं आपको टिक्के,
वैसे रखिएगा ताकि आपको मज़ा भी आए खाने में। तो बस देखेंगे रेडी हो चुके हैं। इसके बाद मैंने सिंपल इसके साथ चावल बॉईल किए थे, और दो मतलब अगर आप पीच निकाल देते हैं चावलों की तो वो आपके इतने अफेक्ट भी नहीं करते हो। अगर एक दिन पहले के खाएंगे चावल, जैसे अभी तो जाहिर इस तरह की पकी, लेकिन नॉर्मल जैसे आप खाएंगे तो उससे आपका वज़न भी कम होता है। तो बस जिससे हमें फ़ायदा होता है, हमें छोटी छोटी टिप्स, इसको हमें ज़रूर दूसरों को बताना चाहिए, क्योंकि वज़न कम करना बहुत मुश्किल तो नहीं लेकिन एक बस थोड़ा टाइम टेकिंग चीज़ है। तो जब फ़ायदा होता है चीज़ों का तो वो ज़रूर शेयर करती रहती हूँ मैं आपसे, ताकि घर बैठे आराम से बगैर टेंशन के आप वज़न कम करें। तो बस देखें थोड़े से राइस खा लें और जो इसकी स्टिक्स हैं वो दो खा लें आप, ताकि आपका पेट फुल हो जाए। और कुछ सैलेड बनाई थी मैंने इसके साथ और बहुत ही मज़े के बने थे, जैसा कि आपको माशाल्लाह नज़र आ रहा है। तो ज़रूर ट्राई करें और बताइएगा जो लोग भी ट्राई करेंगे कि आपने अगर ट्राई किया है तो कैसी लगी आपको रेसिपी। इसके बाद घर वालों को तो ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, और मौसम भी यहाँ रियाद में आजकल सऊदी अरेबिया रियाद में बहुत अच्छा हो रहा है, और वो जो गर्मी होती है यहाँ पे वो ख़त्म हो चुकी है। अभी बहुत सर्दी स्टार्ट नहीं हुई लेकिन एक बहुत अच्छा सा मौसम हो गया है, तो इस तरह की रेसिपीज़ बहुत अच्छी लगती हैं। और बारबेक्यू यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा जगह बनी हुई वहाँ जाके करते हैं आजकल, बहुत लोग कर रहे हैं। तो बस देखें हम भी इंशाल्लाह किसी दिन जाएंगे। तो बस देखें ये बोटी बहुत अच्छी तरह गल चुकी है, देखें बिल्कुल इसकी लुक ऐसी है जैसे मार्केट से आप लेके आए टिक्के, बिल्कुल देखें होल बिल्कुल इस तरह हो रहा है बोटी में जिस तरह बाज़ार की है ये। और मैं भी आपको कट करके दिखाती हूँ, ये मुजम्मिल की नाइफ़ रखी हुई थी मैंने जल्दी से, उससे कट करके दिखाया है, उसी से खा रहे थे ये वो। तो बस मैंने वो लेके आप बस देखें कितने सॉफ्ट सी है, कि बच्चों का खिलौना है वो भी देखें कितने सॉफ्ट सा उसके अंदर जा रहा है, क्योंकि बहुत अच्छी तरह गले हुई थी ये। तो उसके अलावा देखें एक टेप है जो कि जस्ट 5 रियाल हमें शॉप से 5 रियाल शॉप से मिल जाती है। ज़रूर आप लोग भी टेबल पे या कुर्सियों की जो नोक होती है, मुजम्मिल को चोट लग गई थी तो फिर हम ये लेके आए थे, हमने फ़ौरन लगाई थी। टेबल की जो ख़ास तौर पे नोक होती है, आइकिया की जो टेबल्स होती है उनकी बहुत ख़तरनाक सी नोक होती है, बच्चे खेल रहे होते हैं उछलते सारे सोफ़ों वगैरह पर तो एकदम सर में खुदा नखास्ता लग सकती है कहीं पर भी, और मेज़ की नोक बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होती है, लगाएँ आप। और देखिए मुजम्मिल का पानी पीने का इस तरह का बॉटल थी जो कि बिल्कुल पानी उसको आता ही नहीं है, तो हम लोग सेंटर पॉइंट गए थे उसकी बॉटल चेंज करने, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और शूज़ बहुत अच्छे यहाँ पे सेल लगी हुई आजकल, और देखें जो मैं शूज़ पहनी हुई हूँ वो यहाँ पे आपको नज़र आएंगे, मैंने यहीं से लिए थे, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, गोल्डन कलर में हैं। और मैं कुछ शूज़ देख रही थी, अगर कोई चीज़ मुझे अच्छी लगी तो मैं सोची थी ले लूँ। कपड़े वगैरह भी अच्छे मिल जाते हैं बच्चों के, ख़ासतौर पर शर्ट्स बहुत ही अच्छी होती हैं, धुलने के बाद बिल्कुल अच्छी रहती हैं। और इसके बाद देखिए मैं आपको भी दिखाऊंगी कि बॉटल जो है, देखें इस तरह की, मेरी अम्मी कहती हैं कि इस तरह की लो, क्योंकि उससे बिल्कुल जो मैंने आपको दिखाई ब्लू वाली पानी बच्चा बस एक घूंट ही पीता है, लेकिन ये जो आपको नज़र आ रही है स्ट्रॉ के साथ ये बहुत अच्छी आती, मैं देखी थी कि मुजम्मिल को ओपन कर रहा है आराम से। तो बस हमने एक ही बॉटल ली थी जो कि बहुत अच्छी रहती है बच्चों के लिए, स्कूल में ऐसी चीज़ें जिसमें वो पानी आराम से पी लें, इस तरह की बॉटल्स बहुत अच्छी रहती हैं। और बस हम घर जा रहे हैं, और ये केक जो नज़र आ रहा है आपको 1 का, ये मैंने मुजम्मिल की बर्थडे में बनाया था, पहली माशाल्लाह जब बर्थडे आई थी और उस वक्त मेरा चैनल नहीं था तो मैं इसकी रेसिपी पूरी नहीं बना सकी। और बहुत से केक की रेसिपीज़ हैं जिनके मेरे पास अब मतलब थोड़ी बहुत तस्वीरें खींची हुई हैं, लेकिन उसकी रेसिपी फुल नहीं है क्योंकि उस वक्त मेरा चैनल नहीं था। लेकिन बहरहाल मैंने 2 की जब दूसरी माशाल्लाह बर्थडे आई थी तो मैंने केक बनाया था, और इसकी रेसिपी शुक्र है तो मैं पहली कमेंट में जाहिर है मैं जिस तरह करती हूँ वो मैं पिन कर दूँगी। ज़रूर आप ये वाली रेसिपी देखें और ट्राई करें, और इसके अलावा सबका देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।